पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ। मैच के बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैप्टन अपनी परफॉर्मेंस के बारे में इंटरव्यू करता है। तो बाबर आजम इंटरव्यू के लिए गए और तमाम सहाफ़ियों के सवालात का सामना किया, क्योंकि आखिर कैप्टन है, उनसे तमाम सवालात पूछे जाने थे कि बाबर भाई ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हारे आप, ये वो तमाम सवालात इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाबर आजम से पहला सवाल पूछा गया कि बाबर आजम क्या मिसफील्डिंग थी, तो बाबर आजम ने कहा मिसफील्डिंग तो है थी, जिसमें हसन अली को छक्का लास्ट पर पड़ा मोहम्मद रिजवान से, सिर्फ बॉल नहीं खाली जो हार्ड टच हो गए फील्डिंग विकेट के साथ, और शाहीन को लास्ट चौका पड़ा। शायद यही हमारी जो है ना नाकामी, आज शिकस्त मिलने के यही पॉइंट थे मेन, जिसकी वजह से हमें शिकस्त मिली। और इंटरव्यू करते हुए बाबर आजम रो पड़े, और आप सभी से मैं ये दुआ करने की अपील करता हूं कि आप दुआ करें कि पाकिस्तान टीम जो है ना वो सही मुकाम पर पहुंचे, जीते। और बाबर आजम कप्तानी करना क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है, एक बंदे पर इसका काफ़ी प्रेशर होता है, तो कप्तान बाबर आजम को भी जो है ना कामयाबी अता मिले और उनकी टीम भी जो है ना बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सके।